गुड आफ्टरनून ऑल. सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन एंड इट स्टार्ट्स विद एवरीवन एक्सपीरियंसेस प्रॉब्लम्स फ्रॉम टाइम टू टाइम बट द वे पीपल रिस्पॉन्ड टू देम कैन वेरी ग्रेटली. तो हम सभी जो है अपनी जिंदगी में तरह तरह की प्रॉब्लम्स को समय समय पर फेस करते हैं, लेकिन जिस तरह से हम लोग रिस्पॉन्स करते हैं प्रॉब्लम्स के प्रति उसमें काफ़ी ज़्यादा भिन्नता होती है. इसका हम एक एग्जाम्पल देखेंगे. टेक टू मोटरिस्ट, बोथ ऑफ देम गेट टायर ऑफ देयर व्हीकल्स पंचर्ड ऑन द वे टू वर्क. तो दो कार ड्राइवर्स हैं और दोनों जब अपने काम पे जा रहे हैं तो रास्ते में उनकी गाड़ी का जो है टायर पंचर हो जाता है. द वन मोटरिस्ट मंबल्स अबाउट हिज बैड लक एंड रुइंस हिज डे. तो उनमें से पहला जो कार ड्राइवर है वो अपने बुरे भाग्य पे बहुत ज़्यादा पछताता है और काफ़ी ज़्यादा बड़बड़ाता है और इस तरह से अपने दिन को खराब कर लेता है. द अदर मोटरिस्ट सिंपली चेंजेस द टायर एंड गेट्स बैक टू वर्क एंड ही हैज एन एंजॉयबल डे. लेकिन दूसरा जो कार ड्राइवर है वो चुपचाप अपनी गाड़ी का टायर चेंज करता है और अपने काम पे चला जाता है और उसका दिन काफ़ी अच्छा बीतता है. बोथ हैड द सेम प्रॉब्लम बट व्हाट डिस्टिंग्विशेस इज देयर पर्सपेक्टिव. तो दोनों ही की प्रॉब्लम जो है वो सेम थी, लेकिन फिर भी एक ने जो है बड़ी इजीली उस प्रॉब्लम को हैंडल किया और दूसरा बहुत ज़्यादा परेशान हो गया उस प्रॉब्लम से. तो ये जो प्रॉब्लम्स को फेस करने की क्षमता की जो भिन्नता है वो पर्सपेक्टिव कहलाता है. आगे हम देखेंगे पर्सपेक्टिव का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है. सो पर्सपेक्टिव हेयर मीन्स द कैपेसिटी टू डील विद द प्रॉब्लम्स. तो पर्सपेक्टिव का यहाँ मतलब होता है परेशानियों को सहन करने की क्षमता. और पर्सपेक्टिव को हिंदी में हम परिपेक्ष भी कहते हैं. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डेवलप अवर पर्सपेक्टिव सो दैट वी हैव द कैपेसिटी टू डील विद द प्रॉब्लम्स विदाउट गेटिंग इरिटेटेड और नर्वस. तो इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम जो है अपने अंदर पर्सपेक्टिव को डेवलप करें ताकि उससे हमारे अंदर जो है प्रॉब्लम्स को फेस करने की क्षमता बढ़े और हम बहुत कम इरिटेट हुए या बिना नर्वस हुए जो है अपनी प्रॉब्लम्स को फेस कर सकें. आगे नेक्स्ट टॉपिक इन इट इज़ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव. तो क्या गोल होते हैं या क्या उद्देश्य होते हैं पर्सपेक्टिव के, उसको हम अभी स्टडी करेंगे. द मेन गोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ पर्सपेक्टिव इज़ टू डेवलप अवर विजन सो दैट वी मे फील लेस टेंशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिफिकल्टी एंड इम्प्रूव अवर एटीट्यूड. तो मुख्य उद्देश्य या मुख्य गोल क्या होता है पर्सपेक्टिव का, होता है कि हम अपने अंदर ऐसा दृष्टिकोण डेवलप करें जिससे हम मुश्किल समय में परेशानियों भरे समय में कम टेंशन फील करें और हमारा एटीट्यूड भी इम्प्रूव हो, अवर इंसाइट हमारी अंतर्दृष्टि भी इम्प्रूव हो सो एज टू फेस न्यू चैलेंजेस इन लाइफ प्रॉपरली. और उससे क्या होगा, हम अपनी ज़िंदगी के नए नए चैलेंजेस और नई नई प्रॉब्लम्स को सही ढंग से फेस कर पाएंगे. आगे है हेयर आर सम वेज टू इम्प्रूव द पर्सपेक्टिव. तो हमने अपने पर्सपेक्टिव को इम्प्रूव करना है तो उसके लिए कुछ तरीके दिए गए हैं. और पहला तरीका है बी ऑप्टिमिस्टिक, यानी हम आशावादी रहें. नो मैटर हाउ डिफिकल्ट द प्रॉब्लम इज ऑलवेज थिंक पॉजिटिव दैट देयर इज सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम. कोई बात नहीं, कितनी भी गहरी मुसीबत हमारे ऊपर क्यों ना पड़ी हो, हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए कि हर एक प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन तो होता है और हमारी प्रॉब्लम का भी कोई ना कोई सॉल्यूशन तो होगा. ट्राई टू फाइंड इट आउट एंड डोंट फियर. और उस सॉल्यूशन को ढूंढने की कोशिश करो और घबराओ मत, बिना घबराए अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढो. और दूसरा तरीका है Be around people who have healthy outlook. तो हमें उन लोगों के साथ ज़्यादा रहना चाहिए जिनकी सोच बहुत अच्छी है, जिनका नज़रिया बहुत स्वस्थ है. वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द कंपनी वी कीप. हम उन लोगों की कंपनी से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं जिस तरह के लोगों की कंपनी में हम रहते हैं. देयरफॉर ट्राई टू स्पेंड मोर टाइम विद द पीपल हु हैव वेल पर्सपेक्टिव. तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय उन लोगों के साथ बिताना चाहिए जिनका पर्सपेक्टिव जो है काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुका हो एंड हु हैव हेल्दी आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ, और जिनका नज़रिया जिंदगी के प्रति काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव और काफ़ी ज़्यादा स्वस्थ हो. उन लोगों के साथ अगर हम समय बिताएंगे तो हमारा पर्सपेक्टिव भी डेवलप होगा, हमारी सोच भी पॉजिटिव होगी. थर्ड पॉइंट इज व्यू एवरी प्रॉब्लम एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ. तो जितनी भी प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में आ रही है, हर एक प्रॉब्लम को आप ऐसे लें कि ये प्रॉब्लम हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने का एक मौका मिला है. टू ऑफन वी सी अवर डिफिकल्टी एज नेगेटिव एक्सपीरियंस विच गिव्स अस पेन. तो
अधिकतर बार अक्सर यही होता है कि हम अपनी मुश्किल को, अपनी प्रॉब्लम को जो है नेगेटिव एक्सपीरियंस के तौर पे लेते हैं और उससे हमें जो है काफ़ी दर्द होता है। दीज प्रॉब्लम्स आर देयर टू हार्म अस, और हमें लगता है कि सारी प्रॉब्लम्स जो हमारी ज़िंदगी में आई हैं ये सिर्फ हमें नुकसान पहुँचाने के लिए ही आई हैं। बट वी शुड चेंज अवर थिंकिंग, लेकिन हमें अपनी इस चेंज को हर हालत में अपनी सोच को हर हाल में बदलना होगा, अपनी सोच को हमें इम्प्रूव करना होगा एंड सी दैट दीज प्रॉब्लम्स गिव अस अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ, और हमें इस तरह से देखना होगा कि ये प्रॉब्लम्स हमारी ज़िंदगी में जो है हमें आगे बढ़ने का एक नया मौका देती हैं। और इसके बाद अवर फोर्थ पॉइंट इज इंटरेक्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस विद दोज फेसिंग सीरियस चैलेंजेस, तो हमें उन लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत करनी होती है जो अपनी ज़िंदगी में तरह तरह के प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होते हैं और हार नहीं मान रहे होते। देयर आर मैनी पीपल हु फेस सीरियस चैलेंजेस बट नेवर गिव अप, गिव अप का मतलब होता है हार मानना। तो ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं जो तरह तरह की मुश्किलों को, तरह तरह की बाधाओं का सामना कर रहे होते हैं लेकिन फिर भी वो हार नहीं मान रहे होते हैं और लगातार संघर्ष कर रहे होते हैं। इंटरेक्ट विद दीज पीपल, और हमें इस तरह के लोगों के साथ ज़्यादा बातचीत करनी चाहिए सो दैट यू कैन इम्प्रूव योर विजन, और इससे क्या होगा हम लोग अपने नज़रिए, अपने दृष्टिकोण को इम्प्रूव कर सकते हैं। इट विल इम्प्रूव योर स्पिरिट टू फेस चैलेंजेस, और इससे क्या होगा आपकी जो है तरह तरह के प्रॉब्लम्स, तरह तरह के चैलेंजेस को फेस करने की भावना जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी और आप तरह तरह के चैलेंजेस, तरह तरह की मुश्किलों को सही ढंग से फेस कर पाओगे। एंड लास्ट पॉइंट इज़ एक्सरसाइज यानी व्यायाम, तो हमें अपनी ज़िंदगी में अच्छे से एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। इन ऑर्डर टू गेट फिजिकल बेनिफिट्स फ्रॉम आवर बॉडीज वी शुड डू एक्सरसाइज डेली, तो अपनी बॉडीज से अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, डेली एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। इट हेल्प्स इन कीपिंग अस फिट, और एक्सरसाइज जो है हमें फिट रहने में भी पूरी मदद करती है एंड अवे फ्रॉम डिजीजेस, और ये एक्सरसाइजेस हमें बीमारियों से भी दूर रखती हैं। सो एक्सरसाइज आल्सो हेल्प्स अस इन डेवलपिंग अवर पर्सपेक्टिव, तो एक्सरसाइज भी हमारे अंदर जो है पर्सपेक्टिव को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस टॉपिक एंड इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब माई चैनल, comment on it and share my video. Thank you so much.